दोस्तों कहा जाता है कि बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर। जी हाँ, इसको सच साबित कर दिया है बिहार के एक फर्जी आईपीएस ने। फर्जी आईपीएस मैं क्यों कर रहा हूं कि बिहार में एक जगह है जमुई, जहां एक लड़का 2 लाख रुपए दे के आईपीएस की वर्दी खरीद लेता है और आईपीएस बन के घूमता रहता है और आंखों में धूल झोंकता रहता है कि मैं आईपीएस हूँ। अचानक वो लड़का पकड़ा जाता है, किसी को भनक लग जाती है और वो लड़का फिर पकड़ा जाता है। लड़के से पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो वो बोलता है कि मैं आईपीएस हूँ। तो देख सकते हैं सोशल मीडिया पे ये काफी वायरल भी हो रहा है, उस लड़के की तस्वीर। एक कम उम्र का लड़का रहता है जो कि वर्दी पहन के, वर्दी भी उसके पूरे शरीर में नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को आईपीएस कहता है। तो वही उसी थाना क्षेत्र के कुछ पुलिस वाले होते हैं जो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बोलता है कि मैं आईपीएस हूँ। और ये बताते ही पुलिस वाले उसको उठा लेते हैं और पूछताछ के लिए थाना लेके जाते हैं। वहां वो लड़का फर्जी साबित होता है और वो आईपीएस नहीं होता है। वो कहता है कि मैं 2 लाख रुपए दे के किसी मनोज सिंह से मैंने आईपीएस बना है। उनका कहना होता है कि मैं 2 लाख रुपए दिया हूं, उसके बाद मुझे आईपीएस की वर्दी मिली है और मैं आईपीएस बनकर घूम रहा हूं। और यही पूरा मामला खत्म नहीं होता है। वो लड़का अपने गांव गया हुआ होता है अपनी मां को बताने कि देखो मैं आईपीएस बन गया हूं। 2,30,000 रुपए मनोज सिंह नामक एक लोग मांगते हैं, तो 30,000 रुपए और देने के लिए वो लड़का मनोज सिंह के पास जा रहा होता है। उसी क्रम में वो पकड़ा जाता है और एक फर्जी आईपीएस का खुलासा होता है। तो लगातार बिहार से ये सारी चीजें क्यों आती हैं? आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा लड़का जो है वो पूरे प्रशासन और शासन के आंखों में धूल झोंकता नजर आ रहा है। कुछ दिन तक तो आईपीएस बन ही गया होगा, हो सकता है वो पता नहीं क्या से क्या किया होगा, कितने फर्जीवाड़ा भी किए होंगे, किसी से पैसे भी लिए होंगे, ये सब भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कैसे कोई भी आदमी कोई भी ड्रेस पहन के, किसी भी तरह की वर्दी पहन के कोई आईपीएस बन जाता है, कोई पुलिस बन जाता है। आए दिन आपने देखा होगा कि ट्रेन में नकली टीटी भी पकड़े जाते हैं जो कि काले कोट पहन लेते हैं और टिकट चेक करते नजर आते हैं। जब किसी अच्छे आदमी की नजर उस पर पड़ती है तब पता चलता है कि ये टीटी तो है ही नहीं, ये बस मैच कोट पहन के और दूसरों की टिकट चेक कर रहा है। तो इस तरह की चीजें आखिर कैसे बंद होगी बिहार से, ये सोचने वाला विषय है। लेकिन इस लड़के की कहानी काफी हास्यास्पद है कि कैसे ये लड़का जो है 2 लाख रुपए दे करके महज वर्दी खरीदता है और गन खरीदता है और वो सारी चीजें खरीदता है जो एक आईपीएस ऑफिसर के पास होती है। लोग बड़ी बड़ी परीक्षा देके आईपीएस बनते हैं। लड़के को ये लगा कि मैं परीक्षा पास तो नहीं कर पाऊंगा, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट आईपीएस बन जाता हूँ। सबसे ज्यादा हंसी तो उस आदमी पे आती है जो बोलता है कि 2 लाख रुपए दो मैं तुम्हें आईपीएस बना दूंगा। लोग जो है पढ़ लिख के आईपीएस बनते हैं, बहुत सारी कठिन परीक्षा देके आईपीएस बनते हैं, लेकिन ये लड़का जो है इसको ये लगा कि मैं परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा तो 2 लाख रुपए ही तो लग रहे हैं, देख के मैं आईएएस बन जाता हूँ। यहाँ पे मुझे 3 इडियट का वो डायलॉग याद आता है जिसमें बोला जाता है कि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं लगते हैं, पढ़ाई के लिए यूनिफॉर्म लगता है। तो वैसा ही कुछ करके एक यहाँ पे फर्जी आईपीएस जो है सिर्फ यूनिफॉर्म खरीद के आईपीएस बनता नजर आता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वो लड़का जो है पकड़ा गया है, वो पुलिस कस्टडी में है, उसमें कार्रवाई भी होगी और हो सकता है तो उसे जेल भी हो सकती है उसके सारी चीजों को देखने के बाद। हालांकि एक प्रशासनिक विषय है, ये न्यायिक हिरासत में चला गया है, बाकी देखते हैं कि आगे क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इस तरह का मामला जो बिहार में चलता रहता है, इस पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।